कितने किंग्स बादशाह आए गए। सलाहुद्दीन अयूबी के दौर में ही उस टाइम तीन खलीफा थे। मुझे और आपको किस किस के नाम याद है मुझे बताएं। सलाहुद्दीन अयूबी को तो नाम हमें याद है, मगर तीन खलीफा उस टाइम मौजूद थे, उससे पहले कितने खुलाफा थे, हमें किन किन के नाम आते हैं? क्यों? क्योंकि वो जब अपने पैलेसेस में होते थे, सलाहुद्दीन अयूबी अपने टेंट में सोते थे। वो जब अपने कोजी और कंफर्टेबल बेड्स पे सोते थे, सलाहुद्दीन अयूबी मैट्रेसेस पे और जमीन पे सोया करते थे। वो जब 5-star मील्स और बुफेज एंजॉय कर रहे थे, तो सलाहुद्दीन अयूबी 3-3 दिन तक भूखे रहते थे और मुसलमानों के लिए लड़े होते थे। वो जब अपनी बीवी और बच्चों और फैमिलीज के साथ होते थे, तो सलाहुद्दीन अयूबी रहिमहुल्लाह अपनी बीवी और बच्चों को दूर छोड़ के और मुसलमानों के साथ उनकी प्रोटेक्शन के लिए, उनकी बका के लिए, औरतों की इज्जत के लिए क्रूसेडर्स से लड़े होते थे। इब्ने शद्दाद रहिमहुल्लाह कहते हैं कि एक दफा सलाहुद्दीन अयूबी टेंट में बैठे थे, एंड द बैटल वॉज अबाउट टू बिगिन, और उन पर एक लेटर पहुंचा, न्यूज पहुंची कि योर ब्रदर एंड योर नेफ्यू हैज पास्ड अवे। आपका भाई और आपका नेफ्यू अल्लाह को प्यारे हो गए। तो सलाहुद्दीन अयूबी ने हम सब को कहा कि आप लोग बाहर चले जाएं, और जब हम सब बाहर चले गए तो ही क्राइड लाइक अ बेबी। लेकिन कुछ देर बाद जब बैटल फील्ड शुरू होने लगी, तो वो तैयार होकर बाहर आए, एंड ही फॉट इन द बैटल एज ही यूज्ड टू फाइट इन द बैटल। अल्लाह, अपने इमोशन को सप्रेस कर लिया और कहा, ये तो दुनिया तो आने जाने वाली है, मा इंदकुम यनफद व मा इंदल्लाहि बाक, तो तुम्हारे पास है वो खत्म होने वाला है, जो अल्लाह के पास है वो हमेशा रहने वाला है। बल तो सिरून हयात दुनिया वल आखिरत खैर व अबका, तुम दुनिया की जिंदगी को चाहते हो, मगर आखिरत हम खैर वाली है और हमेशा हमेशा रहने वाली है। He went and fought in the battle. Yes, he used to miss his wife. Yes, he used to miss his kids. Yes, he used to miss his brother. और वो फैमिली लाइफ कट्ठे बैठ के खाना पीना और वो सब मिस करते थे, लेकिन दैट ग्रीफ इन हिज हार्ट की उम्मत को लीड करने वाला कोई नहीं है, दैट वॉज फार मोर ग्रेटर देन हिज लव फॉर हिज वाइफ एंड फैमिली मेम्बर्स।